ये सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 16/9/12 और आज फिर रविवार है, तो हम अपने प्राणेश्वर प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो अव्यक्त ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 10/9/75 की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है नॉलेजफुल और पावरफुल। नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा ही सक्सेसफुल है। नॉलेजफुल माना ज्ञान से संपन्न आत्मा, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शक्तिमान, ऐसी आत्मा ही सक्सेस है, माना सफलता मूर्त है। सदा हर स्थिति में मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल स्वयं को अनुभव करते हो, क्योंकि नॉलेजफुल और पावरफुल उसकी रिजल्ट है सक्सेसफुल। यदि हम नॉलेजफुल हैं, पावरफुल हैं और फिर ये नॉलेज और पावर को लेकर के यदि हम कर्म करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, सफलता मूर्त बन जाते हैं, हमें सक्सेस मिलती है। वर्तमान समय इन दोनों सब्जेक्ट्स, याद अर्थात पावरफुल और ज्ञान अर्थात नॉलेज, इन दोनों सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट उद्देश्य है सक्सेसफुल। इसी को ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल आपके भविष्य फल को प्रख्यात करेगा। अभी हम कितनी सक्सेस अपने कर्मों में, पुरुषार्थ में पाते जाते हैं, कितनी परसेंटेज में, तो बाबा कहते हैं आपकी वर्तमान की जो रिजल्ट है ना, वो आपके भविष्य को प्रख्यात करता है। ऐसे नहीं कि भविष्य फल के आधार पर अब के प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने से वंचित रह जाओ। बाबा कहते कहीं ऐसा न हो कि भविष्य के फल के आधार पर, माना सफलता के आधार पर जो हमें अभी प्रत्यक्ष फल चखना है वो हम चखने का भूल जाएं। ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी अनुभव नहीं होता है, कोई प्राप्ति नहीं होती है। अरे ये पढ़ाई तो है ही भविष्य की, वर्तमान की तो है ही नहीं, भविष्य मेरा बहुत उज्जवल है। बाबा कहते हैं ये सोचो कि मेरा भविष्य कितना उज्जवल है, मैं जो पढ़ाई पढ़ रही हूं वो मेरे भविष्य के लिए, और मेरे उज्जवल भविष्य में क्या है, बेहद की बादशाही, स्वर्ग की प्राप्ति। अभी मैं गुप्त हूं, अंत में प्रख्यात हो जाऊंगा, लेकिन भविष्य की झलक, भविष्य की प्रारब्ध व अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अब से सर्व को अनुभव होनी चाहिए। बाबा कहते भविष्य की झलक वर्तमान में चेहरे से अनुभव में आनी चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष फल और साथ में भविष्य फल, प्रत्यक्ष फल नहीं तो भविष्य फल भी नहीं, तो स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष न करें, लेकिन उनका संपर्क, स्नेह और सहयोग ऐसी आत्मा को स्वतः ही प्रसिद्ध कर देते हैं। खुद ही खुद का महिमा करके
खुद के पुरुषार्थ की बात हमें नहीं सुनानी है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रयत्न, हमारी मेहनत, ये स्वतः ही हमें क्या करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसे हर संकल्प और हर सेकंड बाप के साथ सहयोगी आत्मा प्रकृति और परिस्थिति व व्यक्ति को परिवर्तन करने वाले, प्रकृति और व्यक्ति को परिवर्तन करने वाले और हर सेकंड और संकल्प बाप के साथ और सहयोग देने वाली आत्माएं सदा बाप समान। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में स्थित रहने वाले। ये सब महिमा बाबा क्यों कर रहे हैं, ये हमको बाबा याद प्यार देने के लिए टाइटल बोल रहे हैं। तो सभी ने ध्यान से सुना, हर संकल्प और हर सेकंड बाप के साथ सहयोगी आत्माएं प्रकृति और परिस्थिति और व्यक्ति को परिवर्तन करने वाले सदा बाप समान सदा मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में स्थित रहने वाले स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रखने वाले विश्व कल्याणी व विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान आज का ट्रस्टीपन की स्मृति से, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ और बाबा ने मुझे ट्रस्टी बनाया है, तो करण करावनहार कौन हो गया, बाबा हो गए। तो ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य को करने वाले डबल लाइट भव, निमित्तपन का भाव बोझ को सहज ही खत्म कर देता है, क्योंकि बोझ किसने ले लिया, बाप ने ले लिया, हम निमित्त हैं, तो करण करावनहार कौन हुआ, बाबा हुए। तो जब हम करते नहीं, हम कराते भी नहीं और जबकि हम निमित्त हैं, तो हमारे ऊपर बोझ कहाँ से रहा। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। हाँ, जब मेरा मेरा करके सोचते हैं तो बोझ हो जाता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात हमको निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बनकर उड़ती कला का अनुभव करते रहो। सब बाप पर छोड़ेंगे तो हम लाइट हो जाएंगे और जो लाइट होता है वो उड़ती कला में सहज ही उड़ता है। जहां मेरा है वहां बोझ है, इसलिए कभी भी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं करते। जब कभी हम किसी जिम्मेवारी को संभालने में भारीपन अनुभव करें तब हम अपनी चेकिंग करें कि कहीं मेरा को, कहीं तेरा को मेरा तो नहीं करते, तो कहीं मेरा मेरा तो नहीं अंदर में। स्लोगन है, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ जा नहीं सकता। इसीलिए हम अपने आत्मिक भावों को भी चेक करें और फिर हम अपनी भावनाओं को भी चेक करें कि वो शुभ है, हमारे आत्मिक भाव में शुद्धि है। तो फिर बाबा कहते हैं कोई भी बोल बोलोगे वो समर्थ होंगे और कोई भी बोल व्यर्थ हमारा नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति।